नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुजरात के नाटू परमार वर्षों पहले अपना एक सपना पूरा नहीं कर पाए थे। यह सपना था अपनी शादी में घुड़चढ़ी करने का। गांव में ऊंची जाति के समुदायों के विरोध के डर से ना तो वह घोड़ी चढ़े और ना ही बारात निकाली। वर्षों बाद उनकी बेटी अपनी शादी के एक दिन पहले हाथी पर चढ़ी और गांव में घूमी तो नाटू के सपनों को उड़ान मिली। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सुरेंद्रनगर इलाके में रहने वाले नाटू परमार ने कहा कि फुलेकू के लिए आज भी लगभग हर महीने दलितों की ओर से FIR दर्ज होती है। आप इसे दो दशक पहले के परिदृश्य की कल्पना तो कर ही सकते हैं। मुझे मेरे बड़ों ने बारात निकालने से मना कर दिया और मैं आधे अधूरे मन से ही राजी हो गया, लेकिन तब मैंने फैसला किया था कि मेरे बच्चों को मेरा भाग्य नहीं भुगतना पड़ेगा। शुक्रवार को जब उनकी 23 वर्षीय बेटी भारती ने अपनी शादी से पहले घोड़ी नहीं बल्कि एक हाथी की सवारी की तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नाटू परमार ने कहा कि बेटियों को उनकी जाति या समुदाय में बड़े पैमाने पर फुलेकू नहीं मिलता है, लेकिन वह इस कदम के साथ एक शक्तिशाली संदेश देना चाहते थे। नाटू ने बताया कि हाथी अहमदाबाद से आया था, उसे रंग बिरंगा सजाया गया। हाथी के ऊपर दो बड़े बैनर टांगे गए, इसमें लिखा गया, बेटियों को शिक्षित करो, अपनी बेटियों को अधिकार दो। हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक तस्वीर भी सभी को यह याद दिलाने के लिए ली थी कि उन्होंने लिंग या जाति के बावजूद हम सभी के समानता की बात कही है। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।